आपका न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और 24 किरण की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है, यानी अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने तीसरे चरण के लिए ताकत झोंक दी। ऐसे में देखना होगा कि तीसरे चरण में जनता किस पर भरोसा जताती है और कौन जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है, जिसके बाद अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर माध्यम से ही जनसंपर्क कर सकेंगे, लेकिन तीसरे चरण के लिए भीषण गर्मी में भी सभी पार्टियां एक्शन में दिखी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ सभाएं की और जनता को लुभाने की कोशिश की। तीसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया है। 6 मई को 20,456 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए मतदान दल रवाना किए जाएंगे। मतदान के मद्देनजर जिलों में कलेक्टरों की टीम हीट वेव से लोगों को बचाने और अधिक से अधिक मतदान कराने की तैयारी में जुटी है। इन मतदान केंद्रों में चुनावी व्यवस्था का काम पूरा कर लिया गया है और मतदान दलों के गठन के साथ मतदान केंद्रों में मतदान की तैयारी भी कर ली गई है। तीसरे चरण में चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा ध्यान अधिक से अधिक वोटिंग कराने पर है, क्योंकि पहले दो चरण में वोटिंग का प्रतिशत काफी खराब रहा। इसके बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चले बूथ की ओर अभियान चला रहे हैं और जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए होने वाले कार्यक्रमों में उनके दफ्तर में पदस्थ अफसरों को भी भेजा जा रहा है। तीसरे चरण में एमपी की 9 लोकसभा सीटों पर कुल 1,77,52,583 मतदाता हैं। इनमें से 1,68,31,603 मतदाताओं को मतदान सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी है। एक तरफ जहां तीसरे चरण के रण के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, वहीं दूसरी ओर अब चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक बगैर किसी ढोल ढमाके और शोर शराबे के घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल पर चुनाव होना है। वही तीसरे चरण में एमपी में जिन बड़े चेहरों पर पूरे देश की नजर रहेगी, वो है गुना, जहां बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साफ है तीसरे चरण के लिए भी बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। ऐसे में अब 7 मई को फैसला जनता को करना है कि वो किस पर भरोसा करती है और किससे नकारती है। टीम न्यूज स्टेट। तो अब हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेरे साथ ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं, वहीं भोपाल से गौरव भी सीधा जुड़े हुए हैं। मुरैना से जानकारी पहुंचाने के लिए उपेंद्र हैं, तो गुना से ज्यादा जानकारी देंगे राजेंद्र राजपूत। इसके अलावा बिलासपुर से जैसे ही हमारे साथ रोशन जुड़ेंगे उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल 4 मेरे सहयोगी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं विनोद के पास। विनोद, प्रचार थम चुका है, चुनावी शोर यहां से थम गया है, अब सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर प्रचार हो सकेगा, लेकिन तीसरे चरण की यह लड़ाई कितनी दिलचस्प नजर आ रही है और अब तक के चुनावी प्रचार में आपको क्या कुछ इस बार अलग दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, देखिए आदर्श, अगर हम तीसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो महज कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले जो 1.5-2 महीने का समय था वो वाकई में बहुत ही मेहनत वाला समय रहा, खासकर उन नेताओं के लिए जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं ने उनके लिए काम किए, सभाएं की, रैलियां की, जनसंपर्क किए, रोड शो किए, धमाचौकड़ी मची रही मध्य प्रदेश की इन सीटों पर जहां ये चुनाव होने जा रहा है। दिग्विजय सिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर ऐसे नेता जो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन उनके अपने खासम खास कार्यकर्ता चुनाव मैदान में है तो वो भी मेहनत करते रहे। जैसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने 2-3 प्रत्याशियों के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार अभी तक पसीना बहाते रहे, आधा घंटा पहले तक। अब चूंकि चुनाव प्रचार अब समाप्त हो गया है तो अब डोर टू डोर चलेगा। डोर टू डोर की बात करें तो देखिए लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र होता है, ऐसे में डोर टू डोर के मायने ये है कि आप इन चंद घंटों में जा पाएंगे तो बहुत कम लोगों के यहाँ जा पाएंगे, क्योंकि इस पूरे लंबे समय में जितने लंबे समय तक चुनाव चला एक बड़ा एरिया कवर करना होता है। फिर भी कुछ अगर छूटता है तो उसके लिए यह समय बचता है कि आप उनसे संपर्क कर सके।
वाकई में तमाम हाई प्रोफाइल नेताओं से लेकर हाई प्रोफाइल सीटें इस बीच चर्चा में रही। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार उन्होंने अपने किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को पीछे मुड़ के नहीं जाने दिया जो उनके साथ पिछली बार लगे हुए थे, और अपने साथ लगा के रखा, तमाम सभाएं की, पसीना बहाया, सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक लगातार वो चुनाव मैदान में रहे, एक के बाद एक तमाम उनके वीडियो देखते रहे हम लोग। ऐसे ही इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने अपनी पूरी यात्राओं से पूरा लोकसभा क्षेत्र नाप दिया, पसीना बहाते रहे, जनता के बीच में मुद्दों पर बात करते रहे, सरकार बदलनी है इस तरह के भाषण देते रहे, और सरकार के प्रतिनिधि तमाम तरह की रैलियों में ये कहते रहे कि एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारत के विकसित भविष्य का सपना साकार करना है। तो सारी चीजों को देखिए जनता ने सुना समझा और जनता ने नाप तौल कर अब लगभग तय कर लिया है कि उसको वोट कहाँ देना है। ईवीएम में अब देखिए 7 तारीख को सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा, और ये रण जो है तीसरे चरण का एक इसे ये कहा जा सकता है कि एक डिसिसिव भी यहां से हो सकता है, यानी कि एक निर्णायक भी यहां से साबित हो सकता है। गौरव, जिस तरीके से तमाम दिग्गजों की किस्मत तीसरे चरण के तहत ईवीएम में कैद होने वाली है, दिलचस्प लड़ाई भोपाल की भी है, लेकिन जो जबलपुर में हमें दिखाई दिया, जो कई सीटों पर हमें दिखाई दिया कम वोटिंग प्रतिशत, वो ऐसा तीसरे चरण में ना हो, खासतौर पर बड़े शहरों में, इस दिशा में क्या हम उम्मीद करें क्या? क्योंकि अब शादियों का सीजन भी लगभग खत्म ही हो चुका है, तो एक ये जरूर कहा जा रहा था कि शादी का सीजन है, इस वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है। तीसरे चरण में बंपर वोटिंग हो, इसके लिए क्या नजर आता है? उन सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होना है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा राजगढ़ है जहां दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं अगर हम देखें गुना ज्योतिराय सिंधिया चुनावी मैदान में है, भिंड की बात करें तो संध्या राय यहां से बीजेपी के प्रत्याशी है, फुलसिंह बरैया यहां पे कांग्रेस के नेता गुना ज्योतिराय सिंधिया के सामने राय यादवेंद्र सिंह जी हैं, इसके अलावा भोपाल में आलोक शर्मा, और इसके अलावा विदिशा जो सबसे महत्वपूर्ण सीट जहां शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पिछले जो दो चरणों के चुनाव हुए थे तो उस दौरान शादियों का तो सीजन था ही था, इसके अलावा गर्मी की सीजन की वजह से भी वोट प्रतिशत घटा था, इस बात की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा असर शादियों के सीजन की वजह से पड़ा था, लेकिन इस बार शादियों का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो तापमान है वो बढ़ेगा और गर्मी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है, ये आशंका है कि वोट प्रतिशत कम हो सकता है। लेकिन पहले जब दो चरणों में मतदान प्रतिशत कम हुआ तो उसके बाद राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए, लगातार उन्होंने बैठक की कि इन सीटों पर किस तरीके से तीसरे चरण और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, क्योंकि महज अब कुछ वक्त का समय रह गया है तीसरे चरण के मतदान के लिए, तो ऐसे में अब चुनाव प्रचार भी थम गया है और डोर टू डोर प्रचार हो सकता है। लेकिन वही अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर भी यहां पे काफी कवायद की गई है, लगातार चुनाव आयोग के द्वारा भी जन जागरूकता के अभियान इस दौरान चलाए गए हैं, खासकर अब दूसरे चरण के मतदान के बाद की बात करें तो लगातार ये अभियान तेज हुए हैं। राजनीतिक दलों ने जहां अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की तो साथ ही साथ ये भी अपील की है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मतदाता करें ताकि वोट प्रतिशत अच्छा हो सके। लेकिन फिर भी गर्मियों का सीजन है और वैसे भी ये ट्रेंड रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत है तुलनात्मक विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम होता है, लेकिन फिर भी पिछले 2019 के अगर हम चुनावों को देखें तो इस बार के दो चरणों में जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। केवल गर्मी का मौसम ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि एक उदासीन माहौल भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जिसके चलते इस बार हमने देखा है तीसरे चरण का जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर राजनेताओं ने एक माहौल बनाने की भी कोशिश की है ताकि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। अब बात करते हैं कि ये तीसरा चरण तक खास क्यों हो जाता है, तो तीसरे चरण के जो चुनाव है इसमें मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें शामिल है, चाहे हम चंबल संभाग की बात करें तो मुरैना, भिंड और ग्वालियर जो है इसमें महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, इसके अलावा गुना की बात करें तो गुना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हो जाती है, भोपाल राजधानी है, भोपाल में लोकसभा चुनाव का जो मतदान होना है वो 7 तारीख को यानी तीसरे चरण में होना है, इसके अलावा विदिशा जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। तो ये जो तमाम सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं कि आखिर इन सीटों पर क्या स्थिति होने वाली है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन अगर हम चंबल संभाग की बात करें तो कांग्रेस काफी ज्यादा
फोकस रही है और उम्मीद यही है कि इस बार ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ हमें नजर आए। ग्वालियर चंबल से लेकर राजधानी तक इस बार के थर्ड फेज के इलेक्शन में कवर होने वाले हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, थर्ड फेज की वोटिंग से पहले रामनिवास रावत का भारतीय जनता पार्टी में आना, मेयर शारदा सोलंकी का बीजेपी ज्वाइन करना कई समर्थकों के साथ, कितना बड़ा ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटका हो सकता है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सत्यपाल सिंह हैं, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिव मंगल तोमर। सर, आप उपेंद्र को लेकर आइए, उपेंद्र से मेरा सवाल। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि कांग्रेस से और बसपा से कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए, जिनमें रामनिवास रावत हैं, मेयर शारदा सोलंकी हैं, बलबीर सिंह कंडोतिया हैं और भी कई नेता ऐसे हैं जो कि भाजपा में चले गए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार और उनके बड़े भाई सतीश सिंह सिकरवार जो ग्वालियर से एमएलए हैं, वो इस अदला बदली को, इस दल बदलू से ज्यादा प्रभावित नहीं मानते अपने आप को। वहीं इस बार का जो घटनाक्रम है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, वो गांव गांव तक पहुंच गए हैं और उससे इन्हें कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को ताकीद कर रहे हैं कि रामनिवास रावत से एक बड़ा वर्ग उन्हें समर्थन हासिल करेगा। वहीं शारदा सोलंकी जो मेयर है मुरैना की, वो कुछ पार्षदों को लेके गई है, उनसे एक बड़ा लाभ मिलेगा। बलबीर सिंह कंडोतिया जो के हैं, उनसे एक बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चुनाव बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष में पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उनकी इज्जत इस सीट पर लगी हुई है। हर हाल में वो सिमरन सिंह तोमर को दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रतिदिन आधा दर्जन से एक दर्जन तक सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, चुनावी रोड शो भी किए हैं उन्होंने। यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी 3 बार वो यहां लाए हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों को यहां लाए हैं और आज भी डीडी शर्मा और सुरेश पचौरी जैसे नेता यहां पर हैं, जो कि चुनावी बैठकों को जिन्होंने 5 बजे तक अंजाम दिया था। अब इसका क्या फर्क होगा ये तो 7 मई को पता चलेगा। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनके समर्थन में भी कांग्रेस के बड़े नेता आए थे। आज भी श्योपुर और विजयपुर की विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता उमंग संगार लगातार क्या कहते हैं, बड़े रोड शो उन्होंने किए हैं, सभाएं की हैं। लेकिन इस सब पर भारी दिखाई देते हैं रमेशगंज, उपेंद्र, मुरैना में ये भी रही जो हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, वो है शांतिपूर्ण चुनाव मतदान संपन्न कराए जा सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग कितना तैयार है कि किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्व अपने पैर अपने पंख न फैला सके? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि किस हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण होना ही है। इसके लिए पुलिस द्वारा 17,000 से अधिक लोगों को बाउंड ओवर किया गया है, 1 सप्ताह से अधिक लोगों पर एनएसए और जिला बदल की कार्रवाई की गई है और लगातार ऐसे अवांछनीय तत्वों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। वहीं बराबर उपद्रवी तत्वों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने भी मतदान केंद्र पर और मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश की तो हर हाल में उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 20 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मुरैना में आई हुई है, जो कि 1706 मतदान केंद्रों में से 694 वर्नेवेल जो मतदान केंद्र है उन पर उनको तैनाती की जाएगी और हर हाल में मतदान को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रत्याशी है वो भी अपील कर रहे हैं मतदाताओं के, वो शांति और सहजता के साथ अपने मतदान को करें और अधिक से अधिक मतदान करें। यहां तक बात है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने की, तो इस बार मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ने की बड़ी संभावना जताई जा रही है। पिछली बार 61% का मतदान हुआ था, लेकिन इस बार बसपा के प्रत्याशी रमेश गर्ग के आ जाने से मतदान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बसपा के जो कोर वोटर हैं और इसके साथ जो वैश्य समाज का वोटर है, वैश्य समाज का वोटर एक ऐसा है कि जो समर्थन तो कर देता है लेकिन मतदान के लिए अधिक संख्या में बाहर नहीं आता। लेकिन इस बार जो रैली है, रोड शो है, इनमें बसपा के समर्थन में जिस तरह वैश्य समाज को देखा गया है, उससे यह लग रहा है कि मुरैना जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी काफी प्रयास किया गया है। सरपंचों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बराबर यह अपील की गई है कि वो घर घर तैयारी मुकम्मल है और हम भी यही उम्मीद करते हैं। न्यूज स्टेट भी लगातार वोटर से ये अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में वोटिंग चल रही है, तीसरे फेज में जहां भी वोटिंग होने वाली है, जरूर निकलें, थोड़ा वक्त निकालिए। ये आप दुनिया के सबसे बड़े महापर्व, सबसे बड़े लोकतंत्र,
में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने का वक्त है। हमारे साथ गुना से राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। गुना की लड़ाई सबसे दिलचस्प है राजेंद्र, तीसरे चरण में अगर सबसे ज्यादा निगाहें तमाम सीटों के साथ रहने वाली है तो यहां सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, 2019 में यहीं से वो हारे लेकिन अब पार्टी बदली है, लेकिन क्या जनता का मूड भी कुछ बदलता दिख रहा है और इस बार कौन से मुद्दे हावी होने जा रहे हैं जिसे लेकर जनता वोट डालने का मन बना रही होगी? यहाँ बिल्कुल गुना लोकसभा सीट पूरे मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट है और हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा का नेतृत्व तो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को उतारा है। क्योंकि गुना लोकसभा संसद की हम बात करें तो यहाँ की पृष्ठभूमि ग्वालियर सिंधिया राजघरानी परिवार की रही है। यहाँ से लगभग सिंधिया परिवार राज परिवार ने कम से कम 14 बार यहाँ से सांसद चुने और संसद में पहुंचे। क्योंकि हालांकि मुकाबला जावेद सिंह से कांग्रेस के, वो भी एक बीजेपी की पृष्ठभूमि परिवार और कहूंगा की ज्योतिराज सिंधिया ने 2019 का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर थे उससे हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने 2024 के लोकसभा में कोई कसर जनसंपर्क में नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर यानी कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा अशोकनगर में हुई, सीएम मोहन यादव भी दो बार गुना का दौरा किया है और इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं की सभा की गई है। हालांकि कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण गुना की पृष्ठभूमि राजनीति पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन मायने ये रखते हैं कि इस बार कांग्रेस ने जो प्रचार इतना नहीं किया जितना बीजेपी ने किया है और इसके अलावा मोदी सरकार यादव वोट बैंक एक बड़ी भूमिका गुना में निभाता हुआ नजर आता है और इसे ध्यान में रखा जाता है। मैं सिंधिया को लेकर भी विनोद आपसे समझूंगा कि सिंधिया कितने बदले हुए नजर आए, लेकिन एक बार जरा रोशन के पास चलते हैं। रोशन, बिलासपुर में आप दो मुद्दे बहुत अहम नजर आए थे खासतौर पर विधानसभा के इलेक्शन में, एक था लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला, दूसरा मुद्दा एयरपोर्ट का रहा। क्या लोकसभा के इलेक्शन में भी ये दो मुद्दे हावी होते हुए दिख रहे हैं और क्या लोग इस आधार पर अपने कैंडिडेट को या फिर अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुद्दे की अगर हम बात करें तो खासतौर पर मुद्दा जो है ये रेलवे को लेकर रहा हो चाहे एयरपोर्ट को लेकर रहा हो, ये खासतौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव में जमकर इसे लेकर जो है वो मुद्दा बनाया गया था, रायपुर से लेकर बिलासपुर तक जो है इसके लिए पदयात्राएं की गई थी, रेल रोको आंदोलन किए गए थे, तमाम तरीके के जो हथकंडे हैं वो कांग्रेस की ओर से अपनाए गए थे और जो बड़ा मुद्दा जो है वो बनाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कहीं ना कहीं नजर नहीं आया है। बाकी अगर हम बात करें तो जो भाजपा जिन गारंटी और मोदी की गारंटी से जो लगातार चुनाव प्रचार विधानसभा के समय से जो कर रही थी वो अभी भी लगातार जारी है और मोदी के चेहरे पर ही जो भाजपा है वो वोट मांग रही है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा फिलहाल लोकसभा चुनाव में नहीं निकलकर सामने आया है, बस 10 साल की जो कार्यकाल है भाजपा के जो केंद्र में उसको लेकर ही मुद्दा बनाते हैं। मोदी की गारंटी का वादा और कुछ महीनों की साय सरकार का रिपोर्ट कार्ड, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ये वहां पर रोशन? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इम्पैक्ट डालना लाजमी है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से शायद सरकार का जो गठन हुआ है और लगातार काम की जा रही है और महतारी वंदन जो योजना है उसको लेकर जो है प्रचार प्रसार किया गया था और यही वजह है कि उस वजह से एक बड़ा प्रतिशत जो है वो भाजपा को मिली थी, उसे वो अभी भी भुनाने में लगी हुई है और जो तमाम लगातार जो आवास को लेकर जो मुद्दा बनाया गया था, आवास देने की जो बात कही गई थी उसे लेकर जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और मोदी की गारंटी से तो आप जान ही रहे हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके ठीक है। बिलासपुर बहुत बड़े शहरों में गिनती होती है, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक इंजन के तौर पर इसे गिना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वहां की जनता अभी भी परेशान नजर आती है। हालांकि अब मोदी की गारंटी हावी होती हुई दिखेगी, क्या ये देखने वाली बात होगी? ग्वालियर से विनोद के पास मैं वापस आता हूं। विनोद, ये सवाल पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर भी है,
एक तरफ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्या कारण रहते हैं कि जब हम पूरे मध्य प्रदेश में देखते हैं कि अमूमन बिल्कुल शांतिपूर्ण पर चुनाव निपट जाते हैं, तो हमें ग्वालियर चंबल से कुछ एक खबरें निकलकर सामने आ ही जाती हैं, और इस पर ऐसा ब्रेक लगाने के लिए इस बार किस तरीके कदम उठाए गए? दूसरा, कितने बदले हुए सिंधिया आपको नजर आते हैं 2019 और 2024 में? बिल्कुल देखिए आदर्श, पहला जो सवाल आपने पूछा तो इस चीज पर चुनाव आयोग ने काफी वक्त से संज्ञान लिया हुआ है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहले संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ और इलाके ज्यादा हुआ करते थे, फिर चाहे वो मुरैना के चंबल किनारे वाले गांव हों या फिर भिंड के अटेर वाले इलाके हों, यहां अभी भी दो चार पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की खबरें आती रहती हैं। विधानसभा चुनाव में भी एक दो पोलिंग बूथ ऐसे थे, दिमनी में भी एक पोलिंग बूथ ऐसा था जहां इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, अटेर में भी था। तो इस बार चुनाव आयोग ने वहां जो सुरक्षा, देखिए प्रमुख होता है सुरक्षा के इंतजाम करना, तो सुरक्षा के इंतजाम चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस की मदद हो, इन सब का सहारा लिया ही जाता है, तो इस बार चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। साथ ही एक जमाने में देखिए घटनाएं हो जाती थी तो पता नहीं होता था कि किसने की कैसे की, अब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो रही है लगातार, जगह जगह मोबाइल से रिपोर्टिंग हो रही है, डिजिटल डेटा फीड किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हाईटेक हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो घटना हुआ करती थी उस पर काफी हद तक अब लगाम लग चुकी है, लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसे पोलिंग बूथ हैं वहां के लिए स्पेशल अरेंजमेंट चुनाव आयोग ने किए हैं। दूसरा सवाल आपने सिंधिया को लेकर पूछा तो मैं बता दूं, पिछले हफ्ते दो दिन तक लगातार हम गुना में रहे, एक दिन हम महान आर्यमन सिंधिया के साथ घूमे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, और एक दिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ घूमे, उनकी गाड़ी में रहे, तमाम तरह की चर्चाएं गुना के लिए पूछते रहे, सवाल हम बात करते रहे उनसे, वो बताते रहे कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में इस समय देखिए दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक तो जनता के बीच में जो दूरियां हुआ करती थी एक जमाने में, जिसकी गलती की वजह से वो पिछला चुनाव हार गए, वो दूरियां इस बार उन्होंने पूरी मिटा दी, वो जनता के बीच में रहे, वो ठेले वाले से मिले, वो सब्जी वाले से मिले, वो गरीब के घरों में बैठ के उन्होंने रोटी खाई, जाति भेद का कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं दिया, हर जगह सवर्णों से लेकर चाहे वो आदिवासी हो या फिर वो दलित समाज हो या वैश्य वर्ग हो, यादव रघुवंशी कोई भी हो, सबके साथ उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें सभी जातियों की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो एक तो वो दूरियां जो थी वो मिटा दी, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिछले कार्यकाल के जब वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस में थे, उस समय तक के उन्होंने किए गए कार्यों का जनता के सामने रखा, वो अपने हर सभा में हर रैली में ये कहा करते थे कि ये जो खम्भा आप देख रहे हैं बिजली का, ये खम्भा मैंने गढ़वाया है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क मैंने बनवाई है, ग्वालियर में जो बड़ा एयरपोर्ट बनवाया उसको वो जनता के सामने रख रहे हैं, और गुना में भी एयरपोर्ट बनना है, यानी भविष्य की जो प्लानिंग है चाहे वो पानी की हो, आगमन की हो, यातायात की हो, उसको वो जनता के बीच में रख रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात पे वो ज्यादा भरोसा न करते हुए व्यक्तिगत खुद ही पूरा चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा परिवार उनका, चाहे वो उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हो, बेटे महान देख भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। अभी हाल ही में ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी कि जहां महार्यमन गए थे, एक आदिवासी क्या खाना बनाते नजर आए थे, और वहां पर ये तस्वीरें लगातार सिंधिया परिवार की हमें दिखाई दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग लोकसभा सीटों से आपको सीधी जानकारी पहुंचा रहे थे। तीसरे चरण का ये रण बेहद दिलचस्प हो चुका है, प्रचार थम चुका है, शोरगुल थम चुका है, अब ईवीएम में ये देखने वाली बात होगी कि किसके भाग्य का फैसला